फ्रेंड्स, मैं हूँ जंखना पंचाल और आपके साथ जुड़ने के लिए आई हूँ मेरे चैनल लाइफ स्किल फोरम के साथ। लाइफ स्किल फोरम में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो फ्रेम, और इस तरीके की फ़ोटो फ्रेम हम बनाएंगे आज। और इसके लिए सामग्री में आपको चाहिए फ्रेम, ये टाइप की जो फ्रेम रहती है बिना कांच की, आगे पीछे कुछ होना नहीं चाहिए वैसी फ्रेम। ये फ्रेम आपको फ्रेम वाले के यहाँ या फिर फोटो स्टूडियो रहता है वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। ये जो फ्रेम है, आप अपने घर पे जो पुरानी फ्रेम है जो बड़ी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जो मिरर है उसको निकाल के। दूसरी चीज़ हमें चाहिए फ्लावर्स। फ्लावर्स, ये मेरे पास फ्लावर्स है, फ्लावर्स मैंने अपनी लोकल शॉप से ख़रीदे हैं। इस टाइप के आपको जो भी फ्लावर्स पसंद पड़े आप ख़रीद सकते हो। मैंने ये इस टाइप के थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, थोड़े से लीव्स मैंने परचेज़ किए हैं। फिर आप क्लोथ पिन ले सकते हो, मार्केट में आराम से अवेलेबल रहती है। मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है और बहुत सारे वैरायटीज़ मार्केट में मिलते हैं। आपको चाहिए थ्रेड, थ्रेड कोई भी आप ले सकते हो। फिर आपको चाहिए तार, एक रबर बैंड, सीज़र, कुछ फ़ोटोज़ जो आप हैंग कर सको अपने फ्रेम में। और मेरे पास ये कुछ क्लोथ पेपर है जो मेरे पास अवेलेबल थे घर पे, और मार्केट में भी अलग अलग टाइप के क्लोथ पेपर या फिर आप कुछ लाइक पेपर भी यूज़ कर सकते हो, स्टेशनरी पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो बोर्ड बनाने के लिए। तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो फ्रेम है मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने फ्लावर्स यहाँ पे हैंग कर दिए हैं बिकॉज इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं आपको ये फ्लावर्स हैंग करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली, मेरे पास जो था मैंने लोकल फ्रेम वाले के यहाँ से ये जो फ्रेम लिया है, मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी, मेरे पास जितने फ़ोटोज़ है हैंग करने के लिए, तो मैंने उस हिसाब से उसका जो साइज़ है मैंने डिसाइड किया। फिर आपके पास जो भी फ्लावर्स हैं, जैसे आप पुराने फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास लाइक पुराने वास में आप फ्लावर्स रखते हो वो इकट्ठे करके रख सकते हो और वो फिर यूज़ कर सकते हो। ये वेस्ट में से बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की एक है रीत जो आप आजमा सकते हो। मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ ये मेरे पास जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स। फिर मैंने ये लिया तार, ठीक है, इस तरीके से मैं उसको लगाया। सी नाउ, ये जो तार है उसको आप इसके साथ हैंग करो और पीछे से उसको दबा लो। ये सब फ्लावर्स जो हैं मैंने इसी तरीके से फ्रेमिंग में लगाए हैं। तार आप अच्छे से पिनअप करो ताकि आपके घर अगर छोटा बच्चा है तो उसको कहीं लग ना जाए। ये इट इज़ सो सिंपल। मैं दूसरा लगा देती हूँ। सी मैं उन्हें स्प्लिट कर रही हूँ। ये तार को आप स्पॉन्ज ले, इतना थिकनेस वाला स्पॉन्ज लेके उसको चिपका भी सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रेमिंग का डेकोरेशन। थोड़ा सा लाइक मैंने इस तरफ ज़्यादा फ्लावर्स लिए हैं और मैंने इस तरफ थोड़े से कम फ्लावर्स लिए हैं। आप चाहे तो किसी भी साइड फ्लावर्स कोई भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसको अच्छे से पो करो ताकि वो निकल ना जाए। ये थोड़ा सा हमारा ओके
अब मुझे इस टाइप का बो बनाना है जो मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी, जिससे ये ज़्यादा डेकोरेटिव लगेगा। हमारे पास जो ये क्लोथ पेपर है, क्लोथ पेपर से हम ये ऐसा बो बनाएं। मैंने पहले से ये आपको दिखाने के लिए बना रखा है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जो मेरे पास क्लोथ पेपर है, मैंने उसको बीच में से कट किया है। कोई भी साइज़ का ले सकते हो, लाइक आप पे डिपेंड करता है। मुझे इतनी साइज़ ही चाहिए थी, तो मैंने इतनी साइज़ कट की। फिर उसको स्प्लिट करो। आपको जितनी स्प्लिट्स चाहिए, अगर आपको बहुत ही बारीक स्प्लिट चाहिए तो बारीक स्प्लिट करो, पर वो आप पेपर में कर सकते हो। पेपर जो मिलते हैं बाज़ार में स्टेशनरी पे, उससे भी ये पो बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मटेरियल थिक है, थिक होने की वजह से इसमें बहुत सारी स्प्लिट्स नहीं आएंगी। ये देखिए, आप ऐसे करो, सी, बस इतना ही करना है। क्योंकि ये थिक है, तो इस पे मैं यहाँ पे उसको टिकने के लिए यहाँ पे रबर बैंड लगाऊंगी। बिकॉज़ आप स्टेपलर लगा सकते हो अगर आप पेपर यूज़ कर रहे हो तो, पर मेरे पास पेपर अभी, मैं ये क्लोथ पेपर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये रबर बैंड लगाना चाहूँगी। सी हाउ इट केम आउट। अभी आपको ये रबर बीच में दिख रहा है, तो मेरे पास कुछ ऐसे टाइप्स के फ्लावर्स भी अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बीच में ये फ्लावर लगा दूँ, तो जिससे मेरा रबर बैंड दिखेगा नहीं। आप कुछ भी लगा सकते हो, स्टेपल करोगे वो दिखेगा भी नहीं। अगर पेपर से बो बना रहे हो तो स्टेपल कर दो, वो नहीं दिखेगा। सी हाउ इट इज़ लुकिंग, लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आप ऐसे दूसरे क्राफ्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक लाइक पुट ऑन माई फ्रेम। अब मैं इसको, मेरे पास जो थ्रेड है वो थ्रेड से फ्रेमिंग में लगाऊंगी। गाइस इट इज़ सो सिंपल। ये बच्चों को एक्टिविटी आप करवा सकते हो घर पे रह के भी। बच्चे ये नई नई तरह की चीज़ सीखते हैं। ये मैंने कर दिया वो है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फोटो फ्रेम वो अब रेडी हो गई है। इसमें मैंने 12 फोटोज़ हैंग किए हैं। ये मेरी डॉटर के फर्स्ट 12 मंथ्स के फोटोज़ है। इसी के लिए मैंने ये फ्रेम बनाया है। सी लुक, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये मैंने वेस्ट में से बेस्ट ही बनाया है। आप अपने घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेना चाहूँगी। मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारी लाइफ स्किल फोरम चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।